आइए चलें जीडी ग्लोबल स्कूल की ओर। पढ़ेगा बच्चा, बढ़ेगा बच्चा, तरक्की करेगा। आजमगढ़ जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर बाईपास आजमगढ़, सेवा करने का अवसर जरूर दें, बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखे आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मऊ जिला के बीएसएस परशुराम सेना के संगठनात्मक बैठक सरवा ग्राम सभा के एक विद्यालय में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीएसएस परशुराम सेना उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित अजीत कुमार पांडे व विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रख्यात श्रीराम कथावाचक रागिनी सरस्वती मौजूद रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता संगठन के जिला संरक्षक पंडित गोपाल तिवारी ने किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन के जिला प्रभारी पंडित प्रेम प्रतीक दुबे को संगठन के प्रति उनकी निष्ठा, कार्यकुशलता और जनपद में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। बैठक को संबोधित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार पांडे ने कहा कि आज के समय में ऐसे अराजक तत्वों का हौसला प्रखर हो रहा है, जो कि आए दिन ब्राह्मण समाज पर आपत्तिजनक बयानबाजी करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। पर ऐसे लोगों को शायद यह ज्ञात नहीं है कि उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए बीएसएस परशुराम सेना सदैव तत्पर है। वहीं संगठन के पूर्वांचल प्रभारी पंकज पांडे ने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज पर कोई भी अनावश्यक बयानबाजी करते पाया जाता है तो उस पर प्रशासनिक दंडात्मक कार्रवाई करवाने के लिए सक्षम है। वहीं कार्यक्रम में परशुराम सेना मऊ के जिला उपाध्यक्ष ब्राह्मण मानस तिवारी व जिला संगठन मंत्री कृष्णा मिश्रा ने संगठन को मजबूती करने व स्वजातीय बंधुओं को जागरूक करने पर जोर दिया। इस मौके पर परशुराम सेना आजमगढ़ मंडल के अध्यक्ष राजेश पांडे, जिला महामंत्री अजय त्रिपाठी, जिला मंत्री देवभूषण पांडे, जिला कार्यकारिणी सदस्य राजीव पांडे, परशुराम सेना रानीपुर मऊ के ब्लॉक सचिव नितिन दुबे ने प्रेम शंकर पांडे, संतोष पांडे, विजय प्रकाश तिवारी, ब्रिज किशोर पांडे आदि लोग मौजूद रहे। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की खास रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम पंडित अजीत कुमार पांडे, मैं प्रदेश अध्यक्ष बीएसएस परशुराम सेना। आज ये किस प्रकार की बैठक आप लोगों द्वारा रखी गई थी? ये सरवा में ब्राह्मण मिलन समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें गोपाल तिवारी जी के सानिध्य में यह कार्यक्रम रखा गया था और कार्यक्रम बहुत सफल रहा और संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम रखा गया था। तो यह कार्यक्रम करके आप बाकी लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस समाज को? हम संदेश देना चाहते हैं कि सारी जाति बिरादरी एक हो गई है। जैसे पिछड़ी वाले पिछड़ी की बात करते हैं तो हम क्यों नहीं अब ब्राह्मण की बात करें, और जो आरक्षण का जो मुद्दा है उसके हम लोग उठाने की विचार कर रहे हैं कि आगे इसको बढ़ाया जाए, जो आरक्षण है उसको खत्म करके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए। वर्तमान समय में आपने देखा होगा कि एक मुद्दा हमारे सामने आया है कि बिहार के एक नेता हैं जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, और आए दिन यह देखने को मिलता है कि राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा ब्राह्मण समाज को टारगेट किया जाता है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब जिसका दिमाग का संतुलन गड़बड़ हो जाता है तो ब्राह्मण से उठक रहता है, और ब्राह्मण उसको ठीक करने की व्यवस्था जानता है, तो उनको पहले भी संदेश मैं दे दिया हूँ कि अपने दिमाग को सही कर लीजिए, नहीं तो दिमाग उनका हम लोग सही कर देंगे। बहुत श्री परशुराम भगवान के, श्री परशुराम भगवान के, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। जब जब ब्राह्मण बोला है, जब जब ब्राह्मण बोला है, ब्राह्मण उठा है अब ललकार, ब्राह्मण उठा है अब ललकार, श्री परशुराम भगवान की, श्री परशुराम भगवान की, ओम नमः पार्वती
अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।